प्रिय छात्रों, अपना गीता का पाठ चल रहा था जिसमें अपने निर्धारित श्लोकों में से हमने बहुत सारे श्लोक को देखे। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। क्यों जन्म नहीं लेती है, क्यों नहीं मरती है? तो जन्म उसी का होता है जो पहले नहीं था, उसका होना जन्म कहलाता है। तो जब आत्मा नित्य है तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं था। तो जब पहले भी जिसका अभाव नहीं था, वो पुनः जन्म उसकी स्थिति कैसे बनेगी? क्योंकि पूर्व में जिसका अभाव रहता है उसका होना ही जन्म है, और जिसका जन्म होगा उसका अभाव हो जाना ही मृत्यु है। तो जब ये कभी नष्ट होने वाला ही नहीं है तो मृत्यु कैसे है? अतः ये ऐसा नहीं है कि कभी हो करके फिर हुआ, उसकी सत्ता हुई। तो ऐसी स्थिति में आत्मा नित्य है, इसको नीचे की पंक्ति के द्वारा कहे थे कि अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है और पुराण है। इसीलिए हन्यमाने शरीरे न हन्यते, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता है। ये यहाँ तक की बातें जो थी हम पढ़ लिए थे। अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि जब इस प्रकार की स्थिति है आत्मा के बारे में, यह अज है, नित्य है, सनातन है, तो आत्मा के इस स्वरूप को जो जान लिया है, जानता है, वो किसको मारेगा और किसको मारने के लिए प्रेरित करेगा? अर्थात किसी को नहीं। तो इस तरह इस आत्म तत्व के स्वरूप को जो जानता है वह न तो किसी को मारता है और न किसी को मारने के लिए प्रेरित करता है। इस बात को कह रहे हैं अगले श्लोक में, वेदाविनाशिनम नित्यम यो एनजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वेद अविनाशिनम नित्यम यो एनज एनजम अव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। अवगतम? तो प्रसंग क्या है कि जब इससे पहले हमने कहा आत्मा नायम आत्मा हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह आत्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। आत्मा न तो हंती न हन्यते, न आत्मा मारा जाता है न मरता है।
कथम तस्मिन् न कश्चिद् विकारः, क्योंकि उसमें कोई विकृति नहीं होती है। तो इस प्रकार जो इस आत्मतत्व को जान लेता है, ऐसे आत्मतत्व को कोई भी मारने के लिए क्षमा समर्थ नहीं होता है। इस बात से आत्मा के इस स्वरूप का उपसंहार कर रहे हैं। अस्मिन् श्लोके आत्मा न हन्ति न हन्यते तस्मिन् न कश्चिद् विकारः इति प्रतिपादयन् एनम् आत्मानं न कोऽपि हन्तुं क्षमः इति प्रतिज्ञातार्थम् उपसंहरति। तो य एनम्, यह मने जो, एनम् मने इस आत्मा को, किस आत्मा को, जो आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, इस प्रकार का जो अजम, अजन्मा है, जन्म नहीं होता, अव्ययम जिसमें कोई विकृति नहीं आती है, नित्यम जो नित्य है, अविनाशिनम जिसका विनाश नहीं है, उसको जो जानता है वेद, जो जानता है हे पार्थ सपुरुषः, वह जो पुरुष व्यक्ति होगा, कथम घातयति कम हंति, किसको तो मारने के लिए प्रेरित करेगा, घातयति मने प्रेरित करता है, और कम हंति किसको मारता है, अर्थात किसी को नहीं। तो अन्वय इसका ये हो गया कि य एनम अव्य अजम अव्ययम नित्यम अविनाशिनम वेद हे पार्थ स पुरुषः कथम घातयति कम हन्ति। तो कम घातयन्ति कथम कम च हन्ति इत्यर्थ। तो यह पुरुषः, जो पुरुष इस रूप में, इस तरह के लक्षण से युक्त जो आत्मा है, जो अजम जन्म रहित है, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका पूर्व में कभी अभाव नहीं था, अव्ययम जिसमें किसी प्रकार का अपक्षय नहीं होता, वृद्धि ह्रास नहीं होता, नित्यम परिणाम रहितम जिसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं है, अविनाशिनम अंत्यभाव रहितम जिसका अंत वाला जो भाव है विकार वो नहीं होता, एवं आत्मानं वेद, इस प्रकार के आत्मा को जो वेद विजानाति जानता है, सपुरुषः वह पुरुष कथम केन प्रकारेण हन्ति अर्थात हननक क्रियां करोति, कथम वा घातयति हंतारम प्रयोजयति, न कथंचित हन्ति न कथंचित घातयति इति तात्पर्य। न तो वो किसी को मारता है, न किसी को मारने के लिए प्रेरित करता है। तात्पर्य क्या निकला? अस्य इदं तात्पर्यम् यत् यः पुरुषः जन्मादिरहितम् अपक्षयरहितम् परिणामरहितम् अंत्यभावरहितम् अर्थात् सर्वक्रियाशून्यम् प्रकृतम् एनम् देहिनम् आत्मानम् विजानाति। कैसे विजानाति? शास्त्र आचार्योपदेशाभ्याम्, जो शास्त्र के द्वारा आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, आचार्यों गुरु के उपदेश के द्वारा आत्मा के इस तत्व का साक्षात्कार कर लिया है वह व्यक्ति, तो अहम सर्वक्रियाशून्य, मैं ही हूँ जो सर्वक्रिया से शून्य, सर्वभाषक सबको प्रकाशित करने वाला, सर्वद्वैत रहिता सभी प्रकार के द्वैत भावों से रहित, परमानंद बोध रूप में हूँ ऐसा जानने वाला सह पुरुषः, वह पुरुष जो होता है पूर्ण आत्मतत्व होता हुआ, कम हन्ति कथम हन्ति
अर्थात न कथमपि हन्ति न कमपि हन्तुम प्रयोजयति इत्यर्थ। इत्थम इस प्रकार यह आत्मा नित्य है, वृद्धि शून्यम, अपक्षय शून्यम, अजम अविनाशिनम च यो वेद स पुरुषः न कमपि हन्ति इत्यर्थ। इसी बात को कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा में को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता है और किसको मारने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि सर्वत्र उसी आत्मा की, नित्य आत्मा की जब सत्ता है, जिसका नष्ट नहीं होता, जिसमें विकार नहीं होता, फिर ऐसे को कौन मार सकता है या कौन मारने के लिए प्रेरित कर सकता है। अवगतम। तो यहाँ तक की बातों के द्वारा ये आत्मा के बारे में ये स्थिति बताई कि यह जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि वह मर जाएगा, वह मरने वाला है नहीं। और जो शरीर है ये विकार युक्त है, ये नित्य है नहीं, तो इसका नाश अवश्यंभावी है। तो दोनों ही स्थितियों में आपको अर्जुन के लिए कह रहे, शोक की स्थिति नहीं बनती, शोक नहीं करना चाहिए। अतः यहाँ तक के श्लोकों में आत्मा के इस स्वरूप को बताया। अब ये आत्मा जो है, जो अविनाशी है, इसके होने पर भी, शरीर के नाश हो जाने पर, जो शरीर नाश होने के कारण जो कष्ट होता है, इस प्रकार के दुख की आशंका अर्जुन के मन में है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भले ही आत्मा अविनाशी हो, लेकिन शरीर के नष्ट हो जाने पर तो शरीर वियोग जन्य जो दुख है वह तो होता ही है। इस आशंका का परिहार करने के लिए अब उसके स्वरूप को बताते हैं कि यह भी शोक का विषय नहीं है। क्यों? तो कहते हैं, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही। तो अस्मिन् श्लोके प्रस्तुते अस्मिन् श्लोके आत्मनः अविनाशित्वेपि शरीरनाशं परियालोचन निमित्तकं शोकं परिहर्तुं उपदिशति भगवान् कृष्णः। इस श्लोक में शरीर के नष्ट हो जाने पर जो होने वाला दुख है, उस दुख रूपी आशंका को उस दुख से दूर करने के लिए उसका उपाय और उसका उपदेश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो भाई अर्जुन, यथा नरह जीर्णानि वासांश विहाय अपरानि नवानि गृह्णाति तथा देही जीर्णानि शरीरानि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। कहते हैं कि देखिए कि जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने जीर्ण हो गए वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, तो जीर्ण वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है
तो उस समय में उसको कोई दुख होता है? नहीं होता। तो जैसे व्यक्ति नए वस्त्र पुराने जीर्ण फटे शीर्ण वस्त्र को त्याग करके और नया वस्त्र धारण करता है, उस समय में उसको कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख का अनुभव नहीं होता। इसी तरह यह जो देही है आत्मा, देह अस्ति अस्मिन् इति देही आत्मा, यह आत्मा जीर्णानि शरीरानि विहाय, ये जो अनित्य जो पांचभौतिक स्थूल शरीर है, इसके जीर्ण हो जाने पर, पुराने पर जाने पर, कमजोर पर जाने पर, शिथिल हो जाने पर, यह देही नए वस्त्र को धारण कर लेता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो आत्म तत्ववेत होता है, वो इस विषय में भी शोक नहीं करता है, क्योंकि यह शरीर नष्ट होने वाला है, विकार युक्त है, इसलिए इसके जीर्ण होने पर यह आत्मा जो है उस पुराने वस्त्र को त्याग की तरह नए वस्त्र रूपी जो नया शरीर उसको धारण कर लेता है। इसीलिए केवल मात्र ये देह का परिवर्तन मात्र है, जैसे वस्त्र का परिवर्तन होने पर कोई कष्ट नहीं होता मनुष्य को, उसी तरह से इस देह के परिवर्तन होने पर वह आत्मा दूसरे शरीर मात्र को धारण करता है, ये समझ करके, ये जान करके आत्म तत्ववित जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो मोहग्रस्त नहीं होते। इस बात को इस पद्य के द्वारा कहना चाहते हैं, कह रहे हैं। तो यथा मने येन प्रकारेण नरः मनुष्यः जीर्णानि दुर्बलतां गतानि, दुर्बल हुए वाशांसि वस्त्राणि, वस्त्रों को विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि नूतनानि अपरानि अन्यानि गृह्णाति, तद्वदेव देही देहात्मा जीर्णानि शरीरानि विहाय शिथिलानि अंगानि यस्य एवं भूतं देहं परित्यज्य अन्यानि शरीरानि या अन्यत् शरीरं संयाति गच्छति प्राप्नोति इत्यर्थः। तात्पर्य क्या निकला कि जो पुरुष स एनम परम, सैव वही पुरुष जो जैसे जीर्ण वस्त्र को जीर्णानि वस्त्राणि परित्यज्य अन्यानि वस्त्राणि धारयति, एवमेव सैव एक एव आत्मा, जैसे वही पुरुष जो जीर्ण वस्त्र को धारण करता है, छोड़ता है और नए वस्त्र को धारण करता है, उसी तरह से यह आत्मा रूपी जो पुरुष है, यह पुराने शरीर को त्याग करके अन्यत् शरीरम प्राप्नोति, अतः स न हन्ति न हन्यते, इसीलिए न तो वो मरता है न मारा जाता है। इत्थम इस प्रकार जीर्ण वस्त्र त्यागेन यथा न सोचति मानवः, जैसे जीर्ण वस्त्र के त्याग करने पर मनुष्य नहीं सोचता है, शोक नहीं करता है, तथैव कर्म निबंधन भूतानां देहानां, इस कर्म बंधन से युक्त जो देह है, इस देश का देह का भी जीर्ण शीर्ण होना अवश्यम भावी है, तो जीर्ण देह ना से शोक से अवकाश नास्ति, जीर्ण इस शरीर के त्याग कर जाने पर उस विषय में भी शोक का कोई अवसर नहीं है। इसी बात को कहते हैं जैसे अर्थ में, जैसे मनुष्य अपने जीर्ण शिथिल पुराने वस्त्र को त्याग करके
नए वस्त्र को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। अवगतम? तो ये सारे जो अभी श्लोक आ रहे हैं सब परीक्षा में प्रष्टव्य होता है, इसको ध्यान रखें। अब कहते हैं कि यह आत्मा जो है अविनाशी है, अविक्रिय है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी, तो क्यों अविक्रिय है, कैसा यह आत्मा है जो शरीर को, पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है, यह आत्मा किस प्रकार से है जिसे अविनाशी आदि हम कहते हैं, इस बात को आगे के श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो यह जो आत्मा है यह इस रूप में है कि इसे कोई शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। आग इसको जलाने में समर्थ नहीं है, आग से यह आत्मा नहीं जलता। और न क्लेदयन्त्याप, आग कोई भी पानी इसको गीला अर्थात गला नहीं सकता है, और कोई भी मारुत हवा जो है इसको सुखाने में समर्थ नहीं। तो अन्वय, एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनम पावको न दहति, एनम च आपो न क्लेदयति, न च मारुतः शोषयति। तो एनम आत्मानम, एनम नाम एतादृशम आत्मानम, शस्त्राणि द्वैधीकरण का यह शस्त्र विशेष स न छिन्नति, न द्विधा कुर्वति, इसको काट नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता? निरवयवत्वान, क्योंकि ये निरवयव है, इसमें का कोई अवयव नहीं है, और जहाँ अवयव होता है उसी को न कोई काटेगा तो दो भाग में हो जाएगा। तो आत्मा चूँकि निरवयव है इसीलिए इसको कोई पूछे कि क्यों नहीं काट सकता शस्त्र, क्योंकि ये अवयवहीन है। अवयव वस्तु जो होता है सावयव वस्तु का ही द्वैधी भाव हो सकता है, सावयव वस्तु को ही काटा जा सकता है। इसीलिए चूँकि आत्मा निरवयव है इसीलिए इसका विभाग इसको काट नहीं सकता है। तथा पावको अर्थात अग्निरपि न दहति, न ज्वालयति, न भस्मी करोति। कथम इति चेत अणुत्वात्, ये अनंतवाद है कि ये चूँकि अग्नि जो है वह उसी द्रव्य मूर्त पदार्थ को दहन करने में समर्थ है, इसीलिए यह आत्मा ऐसा नहीं है जिसको अग्नि जला सके। तथा न च एनम आपह क्लेदयति, क्योंकि आप जो है जल अपह वो भी इसको क्लेदन करने में, गीला करने में समझने, क्योंकि अपाम ही सावयव वस्तुनः आद्रीभाव करने न अवयव विश्लेषापादने सामर्थ्यम, क्योंकि यह जल जो है यह भी सावयव वस्तु को ही गलाने में समर्थ होता है, निरवयव को गलाने में समर्थ नहीं हो सकता है इसीलिए। और हवा भी इसे सुखा नहीं सकता है, क्यों कि जो स्नेह पदार्थ है स्नेह से युक्त होता है, जिसमें चिकनापन हो स्नेहिल हो उसी को न सुखा सकता है, इसीलिए आत्मा स्नेहिल द्रव्य से भिन्न है। आत्मा में कोई चिकनाहट नहीं है, कोई गीलापन नहीं है, इसीलिए कोई हवा भी इसको सुखाने में समर्थ
नहीं है। तस्मात् वायुरपि एनम स्वात्मानम न शोषयति, इस आत्मा को सुखाने में समर्थ नहीं होता। तो तात्पर्य क्या निकला? अत्रेदम तात्पर्यम यत् शस्त्राणि वह्निः आपः मारुतः इत्यादिभिः अपि आत्मनः विनाशो न संभवः। शस्त्र के द्वारा, वह्नि के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, किसी के भी द्वारा आत्मा का नाश संभव नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ? एतेन अदीर्घम, यह आत्मा जो है अनुरूप है, स्थूल है, अशब्दम अस्पर्श रूपम अव्ययम, ये शब्द रूप रस गंध इत्यादि शब्द से भिन्न है। अरसम नित्य गंधवच्च तद आत्मरूपम वर्तते, तस्मात् अस्य आत्मनः न केनापि विनाशः संभवः, इसीलिए इस आत्मा का विनाश किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो इस प्रकार इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल गला नहीं सकता और न ही वायु सुखा सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो कारण कुछ बताया और उसी को स्पष्ट करते हैं। आत्मानम कुतो हेतु हो शस्त्रादीन न चिंदन, किस कारण से आत्मा जो है इसका, इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता, गिलाया नहीं जा सकता सुअर। तो उसके लिए कहते हैं, सीधा सीधा अर्थ कर रहे हैं कि देखो, अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच, अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच, नित्यः सर्वगतस्थानु रचलोयम सनातनः। कारण बता रहे, अयम अच्छेद्यः, अयम अदाह्यः, अक्लेद्यः, अशोष्येव च, यह जो आत्मा है अच्छेद्य है, तो जो छेद्य है उसी को काटा जा सकता, चूंकि आत्मा अच्छेद्य है इसीलिए इसे काटा नहीं जा सकता। जो दहन होने योग्य है उसी को आग जला सकती है, आत्मा दहन होने योग्य नहीं है, अदाह्य है। जो क्लेद होने योग्य है, गीला होने योग्य है, उसी को जल गीला करने में समर्थ हो सकता, आत्मा अक्लेद्य है इसीलिए गीला करने में समर्थ नहीं है जल। वायु स्नेहिल पदार्थ को ही सुखाने में समर्थ है, यह अशोष्य है इसीलिए इसे वायु भी सुखा नहीं सकती। इसी बात को कह रहे हैं, अयम नित्य सर्वगतः स्थानु अचल सनातन इति, अर्थात अयम आत्मा अच्छेद्य छेतुम योग्यो न वर्तते अतो शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एवमेव अदाह्यो अयम यतो अतो अनु अतो एनम पावको न दहति, चूँकि ये अदाह्य है इसीलिए इसे जल भी वो अग्नि भी जला नहीं सकता। यतो अक्लेद्यो, चूँकि यह अक्लेद्य है, अतो एनम आपो न क्लेदयति, इसीलिए इसको जल जो है वो भी गीला करने में समर्थ नहीं होता, न क्लेदयति, चूँकि यह अशोष्य है इसीलिए इसको वायु भी सुखाने में समर्थ नहीं है। तो कथम न, तो क्यों नहीं यह छेद्य है, क्यों नहीं यह अदाह्य है? तो उसका कारण नीचे के श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि अच्छेद्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये नित्य है। तो जो नित्य होता है, अविनाशी होता है, इसीलिए वह जो नित्य और अविनाशी होगा उसकी घट की तरह कभी उत्पत्ति आदि नहीं होगी। चूँकि वह नित्य है तो इसीलिए सर्व में रहने वाला है, सर्वगत है, सर्वगत प्राप्त है, सभी जीवों में, सभी चराचर जगत में इसकी सत्ता व्याप्त रहती है। चूँकि यह स्थानु है, स्थानु की रूपांतर परिवर्तित शून्य, जिसके रूप में परिवर्तित होता है
वो अचल होता है, इसलिए स्थानु है, स्थिर स्वभाव वाला है, अतः अविकारी है, किसी प्रकार का इसमें विकार नहीं होता। इसी तरह से ये अचल है, अचल का मतलब पूर्व रूप का त्याग और नए रूप को धारण नहीं करता है, इसीलिए पूर्वापरित्यागी है, पूर्व के परित्याग का भाव इसमें नहीं रहता है, अतः सनातन है, हमेशा रहने वाला है। इस प्रकार यह आत्मा नित्य है, सभी में रहने वाला है, विभू है, अविकारी है, अचल है, सनातन है, सदा एक रूप में रहने वाला है, इसीलिए इसका कभी विनाश संभव नहीं है। इसी बात को तात्पर्य क्या निकला इस श्लोक का, अर्थ क्या हुआ, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, यह अक्लेद्य है और निस्संदेह अशोष्य है, यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है, इसीलिए किसी भी प्रकार से इस आत्मा का जब विनाश संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में किसी का मरना और किसी का पुनः जन्म होना ये सब सारी बातें उचित नहीं है, इसीलिए आत्मतत्वज्ञ व्यक्ति इस बारे में चिंता नहीं करते। अब इसी तरह से इस आत्मा और शरीर इन सभी के सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए असो जो अर्जुन शोकग्रस्त है, उसको शोक से दूर करने के लिए अंत में कह रहे हैं कि भैया ऐसी सारी चीज़ों के रहने पर न तो इस शरीर के नष्ट होने में शोक की बात है, न आत्मा के बारे में शोक की स्थिति बनती है। अतः कहते हैं अंत में आपके पाठ्यक्रम का अंतिम श्लोक, अव्यक्तो अयम अचिन्त्योयम अविकारियोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुसोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, इसीलिए शोक करना तुमको उचित नहीं है। क्यों? इस श्लोक में अस्मिन् श्लोके आत्मनः स्वरूपं प्रतिपाद्य अर्जुनाय शोकं न कर्तुं प्रेरयति भगवान् श्रीकृष्णः। तो अयम अव्यक्तः, यह आत्मा जो है अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, अतः इस प्रकार की इस आत्मा को जो जान लेता है या जान करके न तम सोच तुमर्हति, ऐसे जिसको जान लिया है वह शोक नहीं करता है, उसको शोक करना उचित नहीं है। तो व्याख्या के रूप अव्यक्त, अव्यक्त है ये, अव्यक्त का मतलब क्या होगा, इसका स्वरूप दिखाई नहीं देता। स्वरूप किसका दिखाई देता है, जो इंद्रिय का विषय होता है। तो चूंकि जितने भी विषय को ग्रहण करने वाले इंद्रिय हैं, वो सभी इंद्रियां करण हैं, साधन हैं विषय को ग्रहण करने में, तो ये किसी भी इंद्रिय का ये विषय नहीं है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा इसके रूप का गोचर नहीं हो सकता, न नत्र के द्वारा इसको देखा जा सकता है, न कान के द्वारा इसको सुना जा सकता है, तो किसी भी इंद्रिय करण के द्वारा इसका विषय नहीं होने के कारण ये अव्यक्त है। तो कोई पूछे आत्मा को अव्यक्त क्यों कहते, क्योंकि व्यक्त वही होता है जिसका इंद्रियों के द्वारा उसके स्वरूप का ज्ञान होता है, बोध होता है। तो चूंकि आत्मा इंद्रिय का विषय नहीं है, इंद्रिय का विषय तो यह सारे भौतिक और ऐसे अभौतिक जो अनुमान गम्य जो है ज्ञान इंद्रिय के द्वारा कर्म इंद्रिय के द्वारा जो बोध होने वाला पदार्थ विषय है, वही उसी का स्वरूप व्यक्त दिखाई देता है। तो चूंकि सर्व सभी करण जो इंद्रिय है उसका विषय नहीं होने के कारण यह अव्यक्त है, तो सर्व
करणा विषयत्वा न व्यज्यते, सभी करणों का अविषय हो जाने के कारण इस यह व्यक्त नहीं होता, इसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। कस्याप इंद्रियस्य विषयत्वा भावान न व्यज्यते तस्मात अव्यक्तः, किसी भी इंद्रिय के द्वारा इसकी अभिव्यंजना नहीं होती, इसीलिए यह अव्यक्त है। चक्षु आदि का विषय ये नहीं बनता, और जब इस किसी का विषय नहीं बनता अतएव अचिंत्य, इसीलिए अचिंत्य भी है, अर्थात ये मन का भी विषय नहीं है, मन की भी गति यहाँ तक इस आत्म तत्व तक पहुँचने में समर्थ नहीं है, तो मन का भी ये अविषय है। क्योंकि यह इंद्रिय के द्वारा गोचर वस्तु नहीं है, मन का से चिन्ह के का भी विषय नहीं बन रहा है, ऐसी स्थिति में इसीलिए ये चिंता का भी विषय नहीं है, इसके बारे में चिंतन भी नहीं किया जा सकता। तो तत्चिंता विषयत्वम आपद्यते जो ही इंद्रिय गोचरम भवति, चिंता का विषय चिंतनी वही होता है जो इंद्रिय के विषय बनता है, जो इंद्रिया जिसके बारे में देखती है जानती है वही उसके स्वरूप के बारे में चिंता का विषय बनता है। तो चूंकि ये इंद्रिय गोचर नहीं है इसका, इसीलिए अचिंत्य है, इसलिए अयम आत्मा तो अनिंद्रिय गोचरत्वात्, इंद्रिय के द्वारा गोचर नहीं हो जाने के कारण अचिंत्यो, और चिंत्य है इसीलिए यह अविकार्य भी है, विक्रिया इसमें नहीं होती है। जैसे दूध और दही के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो जिसका विकार उसका स्वरूप दिखाई देता है, तो चूँकि इसका स्वरूप बोध नहीं होता इसलिए से किसी प्रकार का विकार नहीं होता। तो इस प्रकार जो इस आत्म तत्व को जान लेता है वह न सोच तुम अर्हसि, इस प्रकार तुम इसके विषय में सोच करने के लोग नहीं हो योग्य, सोच नहीं करना चाहिए कि इसका हंता मैं हूँ, इन लोगों को मैं मारने वाला हूँ, या ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। इस प्रकार अत्रेदम तात्पर्यम यत आत्मनः अव्यक्तत्वात् अचिंत्यत्वात् अविकार्यत्वात् नित्यत्वात् सर्वगतत्वात् स अचिंत्यादि विषयको नास्ति, तस्मात् एनं विदित्वा आत्मनो जन्म विनाशाभावात् न शोककार्यः, कि यह आत्मा जो है अव्यक्त होने के कारण, अचिंत्य होने के कारण, अविकार्य होने के कारण, नित्य होने के कारण, सभी में रहने वाले होने के कारण यह चिंत्य का विषय नहीं है। इस प्रकार जब आत्मा को जो जान लेता है तो इस आत्मा का न तो जन्म या इसका विनाश कुछ भी जब नहीं होता, अतः इसके बारे में शोक करना उचित नहीं है। और जो शोक नहीं करता है, शोकम तरति आत्मवित, आत्मवित जो होता है वो शोक को पार कर जाता है, शोक से ऊपर उठ जाता है। इति श्रुते ही, इस श्रुति का जो तात्पर्य भूत है इसी बात को इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे मन में जो बंधु वियोग जन्य जो शोक है, यह जो शोक है यह शोक उचित नहीं है, इसीलिए इस प्रकार का शोक तुम मत करो। तो इस तरह अर्थ ये निकला कि यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है, इसीलिए हे अर्जुन इस आत्मा को इस प्रकार नित्य जानकर तुम वियोग जन्य शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अतः इस प्रवर्तित युद्ध में, प्रारंभ इस युद्ध में अपने क्षत्रिय कर्तव्य का पालन तुम्हें करना चाहिए। इस प्रकार अभी तक के अपने जो पाठ्यक्रम में जो 12-14 जो भी श्लोक थे, इसका मूल तात्पर्य ये था कि शोकग्रस्त इस अर्जुन को मोह को दूर करने के लिए आत्मा और शरीर का जो वास्तविक स्वरूप है इसका ज्ञान कराते हुए, इसके बारे में शोक नहीं करते हुए अपने कर्तव्य कर्म
जो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध, ये करने के लिए उपदेश देते हैं। इस प्रकार यह अपना गीता का जो पाठ्यक्रम है यह भी संपन्न होता है, और आप सब इस तरह के सारे जो इसमें प्रष्टव्य प्रश्न होते हैं दो चार आत्मा के स्वरूप लक्षण के बारे में, इस सब को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करते रहिए। इस प्रकार हमारा ये जो ग्रुप दो है उसका भी पाठ्यक्रम अब संपन्न होता है। अब आगे के ग्रुप थ्री में जो हमारे कुछ किताब है उसके बारे में, नहीं इसमें शायद एक किताब रह गया है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता के बाद आपका सुंदरकांड है, उस सुंदरकांड को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो अगले पाठ्यक्रम में वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड, इस ग्रुप दो का जो शेष रह गया उसको लेकर के हम फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। और लग रहा है कि अपने जो पाठ्यक्रम है उसकी गति जैसे होनी चाहिए छात्रों की पढ़ने की, तो जो स्वरूप दिखाई दे रहा है दूर संचार पे आपके YouTube पे, उससे लग रहा है कि अधिक छात्रों में इसकी पहुंच नहीं हो पा रही है, तो वो देख लीजिए। लेकिन जैसा भी है तो आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो तो इसकी तैयारी अच्छी तरह से करें, ताकि हमारा इस प्रयास में यदि मैं कुछ सफल होता हूँ तो ये आगे के छात्रों के लिए भी एक प्रेरक रहेगा। इस दृष्टि से इसको देखते हुए तैयारी कीजिएगा। बाकी शेष चर्चा अगले पाठ्यक्रम में करेंगे। धन्यवाद।